हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नव्याज क्विक रेसिपी। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही चटपटी मसालेदार सब्जी, जिसे आप रोटी के साथ भी खाएंगे तो भी ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही चटपटी स्वादिष्ट तोरई की सब्जी, जिसे तुरई या तोरी भी बोलते हैं। तो मैंने ली है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को पानी से अच्छे से साफ कर लीजिए और आप ले लीजिए 250 ग्राम तोरई। तोरई को आप अच्छे से साफ कीजिए, तोरई का छिलका हटाइए, तोरई के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अब गैस ऑन कीजिए, कढ़ाई में डालिए 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल के गर्म हो जाने पर इसमें डाल दीजिए हींग, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसमें डाल दीजिए तोरई के टुकड़े। तोरई के टुकड़े डालने के बाद इसमें आप डाल दीजिए 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्च से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/2 चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, जिससे कि कलर अच्छा आएगा। अब सारे मसाले को अच्छे से मिलाइए, जिससे कि तोरई में मसाला मिल जाए। अब इसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच सौंफ सरसों का पाउडर। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी और इस सब्जी को ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने दीजिए। 3 से 4 मिनट बाद आप सब्जी का कलर देखिए तो बहुत ही शानदार इसका कलर आया है। क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई में सब्जी बन रही है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी स्वादिष्ट बनेगी। और अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ 2 से 3 साबित हरी मिर्च को सिलेक्ट करके आप इसमें डाल दीजिए। और एक इसमें मैंने डाल दी है साबित लाल मिर्च, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। बस सब्जी को एक बार अच्छे से चला दीजिए और इस सब्जी को लोहे की कढ़ाई में ही बनाइएगा, तभी ये सब्जी टेस्टी बनेगी। और अब सब्जी को 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकाइए। 2 मिनट बाद आप सब्जी देखेंगे तो सब्जी का जो रस है, यानी कि जो पानी है, वो अच्छे से सूख चुका होगा और तोरे के टुकड़े भी सॉफ्ट हो गए हैं, यानी कि सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। गैस ऑफ कर दीजिए। गर्मा गर्म चटपटी तोरई की सब्जी को सर्व कीजिए। कमेंट्स करके बताइए रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।